बात जब जेई मेंस की प्रिपरेशन की होती है तब स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी क्वेरीज होती है, जैसे किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, कौन सा टॉपिक कम वेटेज कैरी करता है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, कौन सा इजी होता है और कौन सा मॉडरेट होता है। तो ऐसी ही कई क्वेरीज के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज हम बात करेंगे जेई मेंस के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हाई वेटेज कैरी करता है, कौन सा लो वेटेज कैरी करता है, कहाँ से पढ़ना है आपको, कितने परसेंट क्वेश्चन जो है ईजी आते हैं, कितने मॉडरेट आते हैं और कितने डिफिकल्ट आते हैं, और ऐसी कई जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किस टाइप का पेपर जो है फिजिक्स में आता है और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट में आराम से 100% भी स्कोर कर सकते हैं। बस आपको करना है प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान और उसको फॉलो करना है, और फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आप इस सब्जेक्ट में आराम से 100% ला सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी होता है, तो हम इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है इसकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट होती है। इजी क्वेश्चंस जो है आपके 30-40% आते हैं, देन मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं आपके 40-50% आते हैं, और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है 10-20% आते हैं। अगर हम इन दोनों पोर्शन पे भी फोकस करते हैं तो हम इजिली बहुत अच्छे स्कोर इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं और जेई मेन्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जानते हैं कि क्या कितने मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी 99.5% और 100% लाने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम 99.5% की बात करें तो हमें यहाँ पे 86 से 87 मार्क्स की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें 99.5% मिल सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ईजिली आंसर कर पाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तीन कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे जो दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ के समझना आना क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, तो ये सारी जो है क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आपके बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है आपकी वो चेक करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। तो ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगेन फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो आपके 20 जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 10 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन फिजिक्स में से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स की, आप फिजिक्स में कैसे 100% स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर करने हैं, आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि डेरिवेशन क्या कह रहा है, थ्योरी क्या कह रही है, कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, उसके बाद क्या लॉज कह रहे हैं, लॉ के बारे में जो है लॉ ऑफ मोशन, इन सब के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, थ्योरी के बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, एक एक जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एसआई यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में, एसआई यूनिट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्वर्जन्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करने से ही बहुत अच्छे से आप स्पीड और एक्यूरेसी आती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल की बात होती है तो एक्यूरेट रिजल्ट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग तो होती नहीं है। अगर लास्ट में अगर आपका आंसर जो है वो ऑप्शंस के साथ अगर मैच ही नहीं कर रहा है
तो अननेसेसरी आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा हो जाता है। आपको एक्यूरेट आंसर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स बहुत बार बच्चे कर देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन में से जो वैल्यू होती है वो गलत लिख लेते हैं या सही लिखते हैं, पर स्टेप्स जो हैं लिखते लिखते हम गलत वैल्यू सेकेंड थर्ड स्टेप में आके 30 का 32 कर देते हैं। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और ये आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि आप आराम से आंसर करें, सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो एग्जाम टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी बूस्टअप होता है और आराम से हम आंसर कर पाते हैं। और आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कीजिए। प्रेशराइज होके, पैनिक होके, स्ट्रेस में आके अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि क्या होता है, जब छोटी सी सिली मिस्टेक भी हो जाती है तो अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ सारा जो खेल होता है वो टाइम का, स्पीड का और एक्यूरेसी का, ये सारा जो है अगर आप मेंटेन कर लेंगे एग्जाम टाइम पे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% आराम से स्कोर कर सकते हैं। पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। और कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप हो जाता है तो आप आराम से एग्जाम में अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी गलतियाँ हैं उसको एनालिसिस करें कि ये वाले पोर्शन में मैं ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मेरा पोर्शन वीक है, उसको आप पढ़ें। और जब आप पढ़ते हैं तो आप फॉर्मूला शीट बना लें, फॉर्मूलेज वहाँ पे लिख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए दूसरा अपना शीट बना लें, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखिए। विजुअल फॉर्म में कोशिश करें कि रिवीजन टाइम पे आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए विजुअल फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि रिवीजन में हेल्प करती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी से करेंगे तो आप आराम से 100% स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। बस अभी से आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने टीचर से बात कीजिए, टीचर से समझिए, डाउट्स जो भी होते हैं उनको साथ के साथ में क्लियर कीजिए। बैकलॉग क्रिएट बिल्कुल मत कीजिए, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको साथ के साथ में पढ़िए, रिवीजन कीजिए। कुछ डाउट होता है नेक्स्ट डे जाके टीचर से पूछिए कि भाई ये चीज़ें हैं मुझे नहीं समझ आ रही, तो तब के तब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे तो बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, लास्ट मिनट पे पैनिकिंग सिचुएशन वैसी ही नहीं आएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने टीचर से बात कीजिए और समझिए कि ये चीज़ें नहीं मुझे समझ आई है, आप बताइए मुझे। नेक्स्ट जो है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो यूज़ के नहीं होंगे। आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आपको लेने हैं और हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्वेश्चन हमेशा दो बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्या कहना चाह रहा है वो समझे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसमें वो समझे, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वैल्यूज अच्छे से नोट डाउन करें, स्टेप जब आप लिखते हैं, जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, तो वो वैल्यूज सही से लिखें। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से जेई क्लियर कर पाएंगे। PYQs सॉल्व करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप PYQs सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा, जिससे आप पेपर टाइम पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न बहुत क्लियर होगा, आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे मुझे आंसर करना है, आपको सारी स्ट्रेटेजी पता होगी पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज कैरी करता है। तो मैकेनिक्स जो है यहाँ पे 25%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20%, मैग्नेटोस्टैटिक्स 15%, वेव्स एंड ऑप्टिक्स 15%, मॉडर्न फिजिक्स 10%, थर्मोडायनेमिक्स 10%, फ्लूइड मैकेनिज्म 5%। तो इस तरह से पूरा जो है हमारे टॉपिक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक्स को इस अकॉर्डिंग डिवाइड करें। नेक्स्ट जो है हाई वेटेज
की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स, ये जो है हमारे हाई वेटेज टॉपिक हैं, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने को। फिर मॉडरेट वेटेज की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनमिक्स और वेव्स, ये जो है हमारे मॉडरेट वेटेज के टॉपिक हैं। नेक्स्ट आपको हाई वेटेज के बाद इन पे फोकस करना है। रिलेटिवली लोअर जो होते हैं वो यूनिट्स एंड डायमेंशन, देन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और काइनेमेटिक्स, ये जो टॉपिक है वो हमारे लो वेटेज टॉपिक हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जो हाई स्कोरिंग होते हैं और हम इजीली पढ़ सकते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑक्सीलेशन एंड साउंड, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये जो टॉपिक है इन पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो है हमारे टॉपिक जो वो ईजिली हम पढ़ सकते हैं और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमको पढ़ना कहाँ से है। तो अगर हम HC वर्मा रिफर करते हैं तो हमारा मेन बहुत सारा काम जो है HC वर्मा से ही हो जाता है। NCERT जो है हमारे बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो है NCERT बुक आप रिफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर HC वर्मा के बाद आपको एक और कोई बुक रिफर करनी है तो आप DC पांडे रिफर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको आर्यन पब्लिकेशन के जो PYQs आती हैं वो आपको रिफर करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इतने मटेरियल से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 100% स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं, पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो रिवीजन टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स जब आप रिफ़र करते हैं तो लास्ट मिनट पे कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आप रिवाइज कर लेते हैं एक तो, और क्योंकि आपने बनाए होते हैं तो आराम से आपके माइंड में जो है सब कुछ सेट हो जाता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई चीज़ हैंड रिटन होता है हमारे पास, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप रिविजन टाइम पर पन्ने नहीं पलटते रहेंगे, सारी बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बनाए हुए नोट्स, आपके बनाए हुए फॉर्मूला शीट से आप बहुत जल्दी अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर पाएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आपके नोट्स बनाने की जो आपको रिविजन टाइम पे बहुत हेल्प करती है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, जो भी वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देते टाइम उस पर वर्क करने के बाद आप देखेंगे कि आप उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% ला सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।